अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हम सब इधर ठीक ठाक होंगे? अजान नहीं हो रही, अजान हो रही थी इसलिए वेट कर रहा था। सो आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज़ तो हो चुकी है, अब घर में बैठे हैं। बिकॉज आज मार्केट बंद थी इसलिए मार्केट नहीं गए। सो इधर उमैर कहीं जा रहा है दावत पे, उमैर तैयार हुआ हुआ है और मैं भी वैसे तो तैयार हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं लेके जा रहा, खुद अकेला जा रहा है। गजब बेइज्जती है। ठीक है, अब देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ, अब मैं भी अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। तो यहाँ अफ्तारी वगैरह हो चुकी है और मैं घर में ही मैंने अफ्तारी की है, लेकिन ये जो बंदा है ये मेरे साथ बैठा हुआ है मेरी राइट साइड पे, नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। ये देखो, ये बंदा खुद अकेले अकेले पार्टी खा के आ चुका है, अफ्तारी की पार्टी पे गया हुआ था ये, और मुझे लेकर ही नहीं गया हुआ था, और मैं घर में बैठा हुआ बोर हो रहा हूँ। घर में अफ्तारी की मैंने, ठीक है, घर में ही सब कुछ किया और अब बोर हो रहा हूँ। और इसको अब मैंने कहा है कि मुझे बाहर लेके जा रहा है, लेकिन मुझे बाहर भी नहीं लेके जा रहा, अब क्या करें, क्या किया जाए? अदाता ही लैपटॉप लेके बैठ गया, लैपटॉप ऐसे लग के बैठा हुआ जैसे बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, लेकिन है ये कुछ भी नहीं, मजाक कर रहा था, मजाक चल रहा है यहाँ पे। हंस हंस और ऊंची और ऊंची और ऊंची हंस 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 हंस। अभी तो बिजनेसमैन ही बना है, बिजनेसमैन की तरह तो बैठा हुआ लैपटॉप लेके, अभी तो बना नहीं है। इतना ना फोकस कर बेटा, तुझे बुखार हो जाएगा। क्या हो गया? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इतना ना फोकस कर अपने कहते काम के ऊपर, ठीक है, जो काम तुझे 2 घंटे लगाए करना था ना, मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर करना था, तो तू छोड़ दे बेटा, नहीं होगा तेरे से, छोड़ दे। तेरे काम का स्टाइल ये है कि तू बहुत स्लो काम करता है, और कोई बात नहीं है, तो तू मुझे करने दिया करना, मैं खुद ही कर लूँगा, क्या ख्याल है? मुझे दे दिया कर, मैं खुद ही कर दिया करूँगा। जहाँ तुमने 2 घंटे लगाने, वहाँ मैंने 10 मिनट लगाने। हर चीज़ तुम्हें बार बार मुझसे पूछनी होती है करने के लिए, क्या ख्याल है? देख 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 देखी जा देखी जा। कोई बात नहीं, बच्चा अभी काम सीख रहा है नया नया, अभी मेरी अंडर ट्रेनिंग आई है ना, मेरी अभी मेरे से बिजनेस सीख रहा है, बिजनेस की ट्रेनिंग ले रहा है अभी मेरे से, अभी प्रैक्टिस समझ लो, प्रैक्टिस कर रहा है अभी मेरे से ना, प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, बिजनेस की ट्रेनिंग ले रहा है। हाँ, सही अल्फाज बोल रहा हूँ। वीडियो तू क्यों मारेगा अभी? ओ हेलो 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 हेलो, हमेशा उस्ताद की कदर करनी चाहिए, ठीक है, कभी उस्ताद के आगे नहीं बोलते। चुप, बिल्कुल चुप। देर नहीं सिखाया तो मैं सिखा देता हूँ, मैं सिखा देता हूँ। बिजनेस बहुत किए लेकिन लिखत पढ़त के बगैर, और हमने बिजनेस हमेशा किया लिख के, तो लिख के कारोबार करें आप भी, ठीक है सर। ये इसको फटाफट ख़त्म करें, मुझे बाहर जाना है, मैं घर में बैठ बैठ के बोर हो गया हूँ, तो आप घूम फिर के आ गए हैं, और मुझे बाहर जाना है अभी, कोई चक्कर नहीं है, थक गए हैं, मुझे आपके थकने से कोई गर्ज नहीं है, मुझे बाहर लेकर जाएं। मैं लाहौर में होता तो मैंने आपको कहना ही नहीं था, लाहौर में मैं नहीं हूँ, क्यों, मेरा शहर है,
कराची में घुमाना आपकी जिम्मेदारी है सर। घुमाएं मुझे कराची में, आपकी जिम्मेदारी, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, मुझे कराची में घुमाएं। अगर आप नहीं घुमा सकते तो ये देखें, इधर देखें, घुमाऊंगे कि नहीं घुमाऊंगे? नहीं, मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। इस पर नहीं लेके जाना तो नहीं लेकर जाना, खुद ही मैं कुछ सोचता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ साउथ की बाइक लेके, बिकॉज एक एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि कराची में एक ट्रेंड है कि जी ये अपना बाइक के ऊपर ना मीटर नहीं लगाते, और इनकी बाइक की आवाज़ें मतलब किस तरह की होती हैं, जिस तरह लाइट की है वह की आवाज़ नहीं होती, इन्होंने क्या अपने साइलेंसर की आवाज़ चेंज करवाई होती है। और साउथ की बाइक भी सेम वैसे ही है, तो आज मैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए निकला हूँ बाइक। ठीक है, ये देख सकते हैं कि इसका मीटर नहीं है, बिल्कुल भी मीटर नहीं है, और ये बाइक 2021 मॉडल है, और नई बाइक और नई बाइक का मीटर भी लगाया हुआ, कैसी बात है जी, मीटर अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये खुद उतारते हैं। यहाँ पे ट्रेंड है जी कराची के अंदर कि बाइक के ऊपर मीटर नहीं लगाना। एक दिन मैंने इनको कहा, महंगा यार मुझे लगता है कराची वालों को ना जिस तरीके से बाइक चलाते हैं शायद ये इसलिए नहीं लगाते मीटर कि हम देखना नहीं चाहते कि हम कितनी स्पीड में गिरे। अब देखो मैं इस बाइक को एक्सपीरियंस करता हूँ कैसी रहती है इसकी राइड। बाहर ही था कि अनस भाई कॉल आके मुझे, अनस जो कि कुमार का कज़न है आप जानते हैं उसे, तो उसने मुझे कॉल किया, कहा कि अगर फ्री हो तो मेरी तरफ आ जाओ। अब मैं अनस की तरफ जा रहा हूँ, उसने एक मील मंगवाई हुई है मेरे लिए, कह रहे जी मैंने मील मंगवाई है तो आ जाओ यहाँ पे खाना साथ ही खाते हैं। बताते हुए बोतल पकड़ लाना, बोतल मैंने ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ उसके घर, अब उसके घर जाके मील इन्जॉय करते हैं। एक अदद वो इंसान जो कि सारा दिन घर से नहीं निकलता, सेम अपने कज़न उमैर की तरह, इसके भी यही नखड़े हैं कि मैंने नहीं निकलना घर से। ठीक है, और बाइक चलानी नहीं आती, चलानी आती भी है लेकिन चलानी नहीं है, डर लगता है इनको। ठीक है, मुझे कराची के वैसे लड़कों के ना नखड़े नहीं समझ आए, हम तो कहते लड़कियां नखड़े करती हैं, लेकिन यहाँ तो कराची के लड़के भी नखड़े करते हैं। बाइक चलानी आती है लेकिन कहते हैं मैंने नहीं निकलना घर से, भाई तुम आओ मैंने नहीं आना, वाह क्या बात है, हाय हाय इतनी ऊपर चढ़ के आऊँ सांस, हाँ मर जाऊँगा अभी, और पास छत पे आ बैठे, लेकिन छत पे हवा ठंडी है वैसे। अब देखा हूँ मैड आता कि नहीं आता, हूँ मैड का कॉल तो किया, क्या बोल रहा था, कह रहा था आऊँगा अगर मूड हुआ तो, लेकिन उसके मूड का नहीं पता क्या होता कि नहीं होता, लेट्स सी। इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं, अनस के घर से मैं निकल चुका हूँ, अब अभी 2 किलोमीटर दौड़ूँ घर से, लेकिन इसलिए मेरा कुछ ऐसा खाने का दिल कर रहा है जो बिल्कुल फीका फीका हो, अब समझ नहीं आ रहा, स्पाइसी खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा, अभी सैडी में भी टाइम है, वैसे तो सोच रहा हूँ कि कहीं से पुलाव मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, अब देखता हूँ कहीं से पुलाव मिले तो वो लेकर फिर घर जाता हूँ, पुलाव जाके खाऊँगा। अब देखता हूँ कराची में रात के टाइम कहाँ से पुलाव मिलेगा, खुद ही ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते हैं। यार बात कुछ इस तरह से है कि आई एम अ फूड लवर, ठीक है, मेरे फूड लवर होने की वजह से मैंने पूरे पाकिस्तान में सर्च की हुई है कि कौन सी जगह पे क्या मिलता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है, क्या खाना मिलता है, किस तरह का मिलता है, क्या टेस्ट है, क्या नहीं है। उस बेस पर, मेरी सर्च की बेस के ऊपर हमने कराची में आधी रात को 3 बजे भी पुलाव ढूंढ लिया है, कैसी बात है, आधी रात को पढ़ाया शहर, मेरे लिए तो एक अनजान शहर, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि लाहौर का शहरी हूँ, यहाँ पर तो नहीं रहता, उसके बावजूद भी मैंने कराची में आधी रात को पुलाव ढूंढ लिया जबकि सब कुछ बंद हो रहा था। अभी रास्ते में मैंने देखा एक रेस्टोरेंट देखा था, वो ओपन था, मैं जब वापस गया, जब मेरा मूड बना कि यार यहीं से रहता हूँ, वहाँ गया वो बंद हो गया। अब उसी जगह पर मैंने दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढ लिया उसी एरिया के अंदर, तो वहाँ से अब मुझे पुलाव मिल गया, क्योंकि ये अब पुलाव लेकर जाऊँगा घर, घर जाके इसको इन्जॉय करूँगा। एक बात का आज मुझे अपने फूड लवर होने का एक तो फ़ायदा हो गया कि जब खाना खाने का दिल किया, जो खाने का दिल किया, पढ़ाए शहर में भी मुझे वो चीज़ मिल गई, अब चलते हैं घर, घर जाके इसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। A few moments later. तो यार यहाँ सैरी वगैरह तो हो चुकी है, अब नमाज भी हो गई, हर चीज़ हो गई, सोने की तैयारी करते हैं, पर सोने से पहले और इस वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करना भूलना मत,
कमेंट शेयर और लाइक, और सब्सक्राइब तो 200% लाजमी है ना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करोगे तभी तो नई नई वीडियोस बनाने का मेरा भी दिल करेगा, वीडियोस बनाऊंगा, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतनी अच्छी वीडियोस मैं बनाऊंगा, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नोटिफिकेशन ऑन तभी होगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलो अब मैं भी चलता हूँ, जाके आप सब्सक्राइब करो, मैं आराम करता हूँ, आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।